टेल कॉम को आपने इस पोजीशन पे होल्ड करना है, देन आपने उसको रूट से बैक ऑन करना है। इस तरीके से आप पकड़ेंगे और इस तरीके से आप इसको होल्ड करेंगे। हम ब्रेड बनाते हैं सिंपल, उसको ऊपर से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, बट उल्टी जो हम ब्रेड बनाते हैं उसको नीचे वाली साइड से एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से टिकटक आपने इसको बहुत अच्छे से स्मूथली इसको टर्न करके बहुत अच्छे से कर्ल करना है। ये देखें आप कितने अच्छे से हमारी कर्ल्स हुए हैं। वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्टाइलिश सा सिंपल जो है पार्टी लुक हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ईजी टेक्निक्स के साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कहीं से कोई टेक्निक मिस ना कर सके। सबसे पहले आपने एयर टू एयर पार्टीशन करना है, ठीक है। सो यर्स एयर टू एयर पार्टीशन करना है, पार्टीशन आप देख रहे हैं एयर से लेके आपने एयर तक का पार्टीशन करना है, ठीक है। अगर आप वीडियो को मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपके पास शो होती रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी स्टाइलिंग कैसी लगती है, लाइक करना मत भूला करें। अच्छा जी, आपने पार्टीशन करना है, देन आपने इस तरीके से शेप में आपने जो है बैककॉम्बिंग के लिए सेक्शन को लेना है, ठीक है। अपर साइड हम लेकर जाएंगे ताकि हम बैककॉम्बिंग बहुत अच्छी सी हाई कर सकें, ठीक है। आपने इस तरीके से फिनिशिंग के साथ सारे हेयर्स को इस तरीके से लेकर जाना है, ठीक है। टेल कॉम को आपने इस पोजीशन पे होल्ड करना है, देन आपने उसको रूट से बैककॉम करना है। इस तरीके से आप पकड़ेंगे और इस तरीके से आप इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बैककॉमिंग में किस तरीके से रूट्स पे लेके आ रही हूँ। इस तरीके से आपने रूट्स पे लेके आना है, यहाँ यहाँ बैककॉमिंग नहीं करनी है आपने। यहाँ करने से हमें यहाँ हाइट जो है वो नहीं मिलती, तो आपने प्रॉपर बैककॉमिंग जो है वो रूट्स तक ही लेकर आनी है इस तरीके से, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कितनी अच्छी हमारी बैककॉमिंग हो रही है। देन आप जितना हैवी करना चाहे आप कर सकते हैं, बट मैं आपको लाइक जो है अभी सिर्फ मेथड बता रही हूँ कि आपने किस तरीके से करके बैकवॉर्मिंग को करना है। अगर आप हैवी करना चाहते हैं तो इससे मज़ीद हैवी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतनी ही करूँगी, देन हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने फिक्स करना है थंब को इनर साइड पे, होल्ड करते हुए अच्छे से आपने फिनिशिंग देनी है ताकि अंदर से जो आपकी बैकवॉर्मिंग वो अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। रूट्स पर ही जो फिनिशिंग आपने देनी है साइड से आप टेलीकॉम की हेल्प से दे दें, एंड देन आप इसको लाइट सा हाइट दे दें। इस तरीके से बोथ जो है ऑल साइड आप इसको फिनिशिंग के साथ इसको पूरा राउंड शेप दे दें, देन आप क्रॉस में हेयर पिंस को फिक्स कर लें। मैंने क्रॉस में हेयर पिंस को फिक्स कर लिया है, अब मैं थोड़ी सी और हाइट दूंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बैककॉमिंग कम की है। वॉल्यूम जो है खुद ही से आप दे सकते हैं जितना आप चाहें, मैं भी सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ कि आप कितनी बैककॉमिंग जो है वो किस मेथड के साथ कर सकते हैं। देन हम फ्रंट पर आएंगे, सेंटर पार्टीशन आप कर लें क्योंकि सेंटर में हमने जो है बिंदियाँ लगानी है, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, आपने इस तरीके से यहाँ पे क्रिम्पर आप देख रहे हैं, मैंने क्रिम्पर किया हुआ है, इसको लाइट लाइट फिनिशिंग दूंगी स्ट्रेटनर से। मेरे पास स्ट्रेटनर रिमिंगटन का है, उससे आप जो है वो लाइट लाइट जो है फिनिशिंग दे दें। आपके पास कोई भी स्ट्रेटनर हो आप उससे इसको क्रिम्परिंग करने के बाद लाइट लाइट फिनिशिंग दे दें ताकि आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो फाइन आए, ठीक है, नीट वो आपका हेयर स्टाइल लगे, ठीक है। देन आपने क्या करना है, बहुत फिनिशिंग के साथ आपने ब्रेड्स बनानी है। कुछ ब्रेड्स, अच्छा ब्रेड जो होती है ना वो भी बहुत टाइप्स की होती हैं, ठीक है। हमें जो है ना हर तरह की अलग अलग टाइप्स मिल जाती हैं ब्रेड्स में, जिसमें जो है वो मोटी मोटी भी उसका लुक आ रहा होता है, थिन भी आता है, और लाइंस वाला भी क्रिएशन उसमें आ रही होती है। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों के साथ जो है वो उल्टी जो हमारी ब्रेड होती है वो बनाना सिखाऊंगी। वो आपने कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने फोकस करना है एडजस्टमेंट पे, आपने सेक्शन को इस तरीके से लेना है, ठीक है। आपने सबसे पहले तो सेंटर से सेक्शन को लेना है, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आपने इतना सेक्शन सेंटर से लेना है और इसको थ्री में डिवाइड करना है। फिनिशिंग के साथ आपने अपनी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपने लेने के बाद थ्री में डिवाइड करना है, एंड देन आपने जो हम ब्रेड्स बनाते हैं सिंपल उसको ऊपर से हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, बट उल्टी जो हम ब्रेड बनाते हैं उसको हम नीचे वाली साइड से एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर रहे होते हैं। फिंगर्स पे फोकस करिएगा कि आपने किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। फर्स्ट जो सेंटर वाला पार्ट है उसको हम फर्स्ट वाली पार्ट के अराउंड करके देन हम इसको एडजस्टमेंट को थर्ड वाले सेक्शन को एडजस्ट करते हुए हम अपनी ब्रेड को बनाएंगे। इस तरीके से आपने सेक्शन को लेना है, देन आपने इसको थर्ड वाले सेक्शन के साथ एडजस्ट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, जस्ट फिंगर की एडजस्टमेंट इसमें जो है वो सारी उसकी गेम है, ठीक है। तो आपने फोकस करना है, लाइन टू लाइन आप लेते जाएं इस तरीके से, और आप फिनिशिंग के साथ बहुत ब्यूटीफुली जो है ये ब्रेड्स बना सकती हैं। इस तरीके से आपने बनानी है, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी हमारी क्रिएशन होती जा रही है। लाइन टू लाइन आप लेती जाएं फिनिशिंग के साथ, देन आप इसको होल्ड अच्छे से करें फिंगर्स को ताकि आपका स्टाइल बिल्कुल लूज नहीं हो, और फिनिशिंग के साथ आपका नीट हेयर स्टाइल बने, ठीक है। इस तरीके से आपने बनाना है, बैक तक आपने लेके जाना है इसको। अब मैं दोनों साइड से ले रही थी, अब मैं सिर्फ वन साइड लूँगी फ्रंट वाली साइड से, ताकि जो है मैं यहाँ से लुक इसका जो है वो अच्छा सा मिल जाए।
ठीक है, इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन लेना है और आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा हमारा ब्रेड्स का लुक जो है वो आ रहा है। अब मैं इसको डन करूँगी, बैग तक इसको लेकर जाके इसको एडजस्ट करूँगी। आप लोग देख रहे हैं इसका जो ब्रेड का लुक है वो कितना ब्यूटीफुल सा आ रहा है, लाइट लाइट। अब इसको इस तरीके से मैसी कर लें, ठीक है, इस तरीके से आप इसको मैसी कर लें, कितना अच्छा सा हमारा जो है वो इसमें लुक क्रिएट हुआ है। यू कैन सी इस बैग तक आपने इसको लेकर आना है और आप देख रहे हैं इसका लुक कितना ब्यूटीफुल सा आ रहा है। देन आप इसको बैक पे एडजस्ट कर दें, टू पिंस की हेल्प से आपने एडजस्टमेंट करनी है ताकि आपका जो स्टाइल है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा हमारा ये लुक क्रिएट हुआ है। लाइट लाइट जो हमारी नीचे की हमने लाइंस क्रिएट की थी उसको भी हम इन्हेंस करेंगे एंड यू कैन सी लुक कितना ब्यूटीफुल सा आ रहा है। तो यार सेम आपने यहाँ पर भी थ्री में डिवाइड करना है सेक्शन, मैंने सेंटर से लिया है और आपने उल्टी ब्रेड यहाँ पे बनानी है। एडजस्टमेंट बहुत ईजी है, आपने जस्ट फिंगर्स पे फोकस करना है, फिंगर्स को अच्छे से ग्रिप्स आपने रखनी है। लाइन टू लाइन आप लेती जाएँ फिनिशिंग के साथ और अपनी ब्रेड्स को बनाती जाएँ। लुक कितना ब्यूटीफुल सा इसका जो है वो क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं। आपने इसी तरीके से बनाना है, वीडियो को फुल वॉच किया करें और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। मैं ये बात इसलिए कहती हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी स्टाइलिंग में नीटनेस नहीं आएगी, आपको टेक्निक्स का जो है वो नहीं पता चलेगा कि वो टेक्निक्स आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। इस तरीके से लाइन टू लाइन लेना है आपने, देन आपने इसको बैक तक लेके जाना है और बहुत फिनिशिंग के साथ इसको एडजस्ट करना है। इस तरीके से सिंपली आपने इसको एडजस्ट करते हुए इसको लाइट लाइट से लूज़ करना है। इस तरीके से आप इसको लाइट लाइट से लूज़ कर लें, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रॉपर जैसे आपने उस वाली ब्रेड में आपने लूज़ किया था सेम आपने करना है। और लाइट लाइट से आप ये फ्रंट वाली साइड के जो हमारे लेयर्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा मैसी कर देंगे, ठीक है। और ये देखें कितना अच्छा सा लुक हमारा क्रिएट हुआ है। मेरी एक व्यूअर्स थी, उन्होंने कमेंट किया था कि उनको उल्टी जो ब्रेड है वो सीखनी है और उनके साथ मैं ये वीडियो शेयर करूं, तो ये मैंने शेयर की है। जिनको नहीं आती तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर किया करें क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको स्टाइलिंग की हावनो होगी, ठीक है। सो व्यूअर्स, फ्रंट पे जो हेयर्स हैं उनको मैं अच्छे से कर्ल्स करना बताऊंगी। आपने किस तरीके से सिंपल पार्टी लुक में आप कर्ल्स कर सकते हैं आयरन से, तो आपने इस तरीके से फ्रंट वाला सेक्शन को लेना है। आप बैक पे भी सिंपल यही जो है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट अभी आपको फ्रंट लुक बताऊंगी कि आपने यूज़ कैसे करना है स्ट्रेटनर को, ठीक है। मेरे पास रिमिंगटन का ही स्ट्रेटनर है, उससे मैं कर्ल्स करूंगी। इस तरीके से आपने फिनिशिंग देते हुए बिल्कुल लेंथ पे आपने लाकर इसको बहुत अच्छे से टर्न आउट कर्ल्स करने हैं। इस तरीके से टिप तक आपने इसको बहुत अच्छे से स्मूथली इसको टर्न करके बहुत अच्छे से कर्ल करने हैं। ये देखें आप कितने अच्छे से हमारे कर्ल्स हुए हैं। अगर आपके पास स्ट्रेटनर नहीं है, कर्लर है, तो आप कर्लर से भी कर सकती हैं, ठीक है। फिनिशिंग के साथ आपने बहुत अच्छे से कर्ल्स करने हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये लुक हमारा बहुत ब्यूटीफुल सा जो है वो क्रिएट होता है गर्ल्स के लिए, जिनको ओपन लुक चाहिए होता है, सिंपल हेयर स्टाइलिंग चाहिए होती है, तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट हेयर स्टाइल है। ये स्टाइलिंग ऐसी है जो कि आप इंगेजमेंट लुक और निकाह लुक में भी बना सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने फिनिशिंग के साथ इसको टर्न आउट कर्ल्स करने हैं। इसको मैं फ्रंट से एक साथ लेके टर्न आउट कर्ल्स कर दूंगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेम आपने यहाँ से भी लेना है, बोथ साइड सेम आपने कर्ल्स करने हैं पोजीशन पे, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करना है और आप देख रहे हैं मैंने स्ट्रेटनर को किस तरीके से होल्ड किया हुआ है पोजीशन पे रख के, देन मैं इसको टर्न आउट लेंथ तक कर्ल्स कर रही हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं लुक हमारा कितना अच्छा सा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगेन आप सेक्शन लेंगी, अगेन आप लेंथ पे लेकर आएंगी, आपने इस तरीके से पोजीशन पे रख कर आपने बहुत अच्छे से स्मूथली टर्न आउट कर्ल्स करने हैं। लुक कितना ब्यूटीफुल सा हमारा क्रिएट हो रहा है कर्ल्स का, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपने सेम आपने कर्ल्स करने हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा ये वाला सेक्शन आपने अगेन लेना है, सेक्शन को इस तरीके से आपने लेना है एंड देन आपने इसको टर्न आउट कर्ल्स करना है फिनिशिंग के साथ, ठीक है। थोड़ा सा हम अगेन इसको कर लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइट कर्ल चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखिए हमारा क्रिएट हो गया है लुक। और जो हमारे पास ये वाले हेयर्स हैं उनको हम एक साथ जैसे हमने वो वाली सेट भी किया था सेम हम इसको टर्न आउट कर्ल्स कर देंगे। तो हेयर्स आप लोग देख सकते हैं हमारा लुक कितना अच्छा सा क्रिएट हुआ है ब्रेड्स का और मैंने इसकी क्रिएशन कितनी सिंपल तरीके से आपको बताई है। तो आप देख सकते हैं बैक तक हमारा लुक क्राउन के साथ कितना अच्छा सा क्रिएट हुआ है, ठीक है। आप फ्रंट पे देख रहे हैं कि फ्रंट पे हमारे कर्ल्स कितने अच्छे से हमने सेट किए हैं। तो आज का मेरा लुक कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।